फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कम्युनिटी में भी रिसेंटली चल रहा है कि कोई भी टीम या फिर कोई भी ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइनअप को मंडेज के दिन को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा एंड कोई भी ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ईस्पोर्ट्स मतलब ऑर्गेनाइजर्स को टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए मंडे के दिन को मना किया गया है ताकि उनको रेस्ट मिले एंड उन लोगों को मतलब थोड़ा टाइम मिले कि वो फैमिली टाइम स्पेंड कर सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, चाहे अपने गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं उनके साथ। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है बट ये होना चाहिए था एक्चुअली और ये कितना अच्छी चीज़ है जो लिया गया है रॉली के द्वारा, ये इनिशिएटिव लिया गया है। सो बिग शाउट आउट टू रॉली कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है एंड सब लोग ये चीज़ को पालन करने की कोशिश करेंगे उन्होंने कहा है एंड गुड डिसीजन ये है क्योंकि देखिए रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे ना इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स बढ़ गए थे। हालांकि ऑफिशियल टूर्नामेंट तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं आया गरीना के साइड से, बट स्टिल ऐसा भी टाइम आ रहा था जहां पे एक टाइम पे मतलब 2 बजे के स्लॉट में दो दो टूर्नामेंट साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। ऑडियंस के लिए भी कंफ्यूजन है कि कौन से टूर्नामेंट में कहां जाएंगे, हम लोग खुद मतलब कभी कभार एज एनालिस्ट देखते रहे कौन सा टूर्नामेंट देखे, एक टूर्नामेंट अब देख लेते एक टूर्नामेंट बाद में देख लेंगे, ऐसा सिचुएशन। तो आप सोचो प्लेयर्स का हालत क्या होगा कि मेंटल एग्जॉशन कितना होता होगा उनको कि बीच में एक घंटे का रेस्ट भी नहीं मिलता है, उन लोगों को दूसरा टूर्नामेंट में शूट आउट करना पड़ता है और कभी कभार तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये टूर्नामेंट में मेरे को ज्यादा फायदा है तो मैं दूसरा टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, जो कि होना नहीं चाहिए बेसिकली। मतलब देखो एंड ऑफ द डे के लिए बिजनेस है, अगर मैं कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हूं, मैंने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे लिए मेरा टूर्नामेंट मेरे बच्चे जैसा होगा कि मैं इसको पाल पोस के बड़ा करना चाहूंगा तो ऑफकोर्स सब बेस्ट देना चाहूंगा। तो बेस्ट टीम्स अगर आएंगी नहीं तो फिर फायदा नहीं है एंड ओपन क्वालिफायर्स भी अगर होंगे तो वो फिर मजा नहीं आएगा कि सिर्फ एक दो टीम्स खेल रही है बाकी टीम्स है ही नहीं। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए आई थिंक एक दिन का अगर रेस्ट मिल जाएगा सब लोगों को तो सब लोग खुश रहेंगे एंड फिर बाकी ट्यूसडे टू संडे आप लोग फिर से रिज्यूम कर सकते हैं बाकी काम एंड आई थिंक फ्राइडे को भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम हमारे प्लेयर्स हैं जिन लोगों का जुम्मा वार ऑफ कोर्स उन लोगों को अपने नमाज पढ़ने पड़ते हैं तो 2 बजे से 5 बजे के स्लॉट में कोई भी टूर्नामेंट वो नहीं खेलने वाले हैं। तो ये एक और आई थिंक रिक्वेस्ट किया गया है टू द ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स कि वो फ्राइडे को भी ये ना करें वो स्लॉट के बीच में 2 से 5, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं वो खेल नहीं पाते हैं। फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है यार मेरा मेन प्लेयर नहीं खेल रहा है तो 2-3 प्लेयर के साथ फिर लॉबी में घुसना पड़ता है, दैट बिकम्स एन इशू, या फिर कोई दूसरे प्लेयर को लेके आना पड़ता है। सो ये अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है बट आई थिंक अ गुड डिसीजन ऑल एंड ऑल। एंड आप लोग क्या सोचते हो इस डिसीजन के बारे में जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आई नो कि आप लोग भी बहुत खुश हो एंड एक दिन आप लोग भी अगर टूर्नामेंट नहीं दोगे तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा खराब नहीं होगा, आप लोग भी एक दिन अपने फैमिली के साथ टाइम बिता लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एनीवेज यही था रीज़न बेसिकली कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था एक के बाद एक टूर्नामेंट, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, हर दिन टूर्नामेंट नहीं हो पाता इतना और मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स के लिए एंड आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इधर जब आप लोग गेम खुद खेल रहे हो तो एंजॉय के लिए खेल रहे हो तब भी इतना प्रेशर आ जाता तो टूर्नामेंट्स में कितना होता होगा, इसीलिए ये लिया गया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग के ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।